असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। सीएम शर्मा ने कहा कि आप अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाइए, वहीं आरक्षण दीजिएगा। शर्मा ने कहा कि हिंदू जाग चुका है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होने देगा। हाल ही में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला था। लालू ने कहा था कि पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये बात जनता समझ गई है। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर पीएम मोदी ने निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि लालू जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, इसका मतलब है कि ओबीसी, एससी और एसटी, एससी समाज को मिला आरक्षण छीन कर पूरा आरक्षण ये लोग मुसलमानों को देना चाहते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जमकर उछाला जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी और लालू प्रसाद मुसलमानों के आरक्षण की बात करते हैं, ये सभी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी 50 साल बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरे गरीबों के मसीहा कहे जाएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद कोई नेता पूजे जाएंगे तो वो नरेंद्र मोदी पूजे जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शरद पवार बहुत लंबे अनुभव के नेता हैं, क्या भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देता है, लेकिन राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं, जिसे बाबा साहेब अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल सभी ने अस्वीकार किया। आज आप और आपका गठबंधन उसकी राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं। शरद पवार की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी ने तीन तलाक का क्यों विरोध किया, सवाल तो उठेगा ही ना।